हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनास लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ में एक बहुत ही अच्छा सा ब्राइडल उपटन की रेसिपी शेयर करूंगी, और काफ़ी समय से मैं उसे इस्तेमाल करती आ रही हूं। और जो भी मार्केट में महंगे महंगे जो उपटन आते हैं, जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो सारे जो इंग्रेडिएंट है वो लगभग मैंने इसके अंदर ऐड करने की पूरी कोशिश की है। और बहुत ही अच्छा तरीका है ये, एक अच्छे से उपटन को आप घर पर बना सकते हैं इस तरीके से, जो मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी। और ब्राइडल्स के लिए ये उपटन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। मार्केट में वैसे तो काफ़ी सारे उपटन अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ घर पर बनाकर हम तैयार करते हैं उसमें हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारी स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर के आती है, तो वो चीज़ हम ज़्यादा ऐड करें। और हमारी स्किन किस तरह की है, तो वो जो भी इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं वो हमारी स्किन पर किस तरीके का वर्क देंगे, वो हमें हल्का सा मालूम होता है। तो यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इस उपटन को बनाने के लिए लिए हैं, वो सारे आपको घर में अवेलेबल हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये ब्राइडल्स के लिए है, आप इसे मैन या वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें इससे आपको नहीं होगी। और ये जो उपटन है ये 100% रिज़ल्ट के साथ में आपको रिज़ल्ट देगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं जब आपको इसको करके दिखाऊंगी, लगा करके दिखाऊंगी, बना करके दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कितना और क्या क्या मैंने इसमें ऐड किया है। प्री ब्राइडल जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको किस तरीके से घर पर करना है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है सिचुएशन क्या चल रही है, तो इसमें आपको क्या 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 स्टेप आपको फॉलो करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे के सारे नेचुरल हैं, और इसे मैन एंड वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आप बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेस के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये जो उपटन है ये मैंने कैसे बनाया है। उपटन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून रोज पेटल पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है जौ का आटा, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है चंदन पाउडर, साथ ही में 10 से 12 केसर के धागे मैंने पीस लिए थे, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर बादाम का पाउडर है, और 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पर कस्तूरी हल्दी है जिसे आमा हल्दी बोला जाता है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने मसूर की दाल का पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। और इन्हें लेकर के अच्छे तरीके से आपको एक बार मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, और पीस करके इन्हें अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से मिक्स करना है, और किसी भी सूखे खाली कंटेनर में आपको इसे भर करके रख लेना है। अभी मैं आपको इसे मिक्स करके भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इन्हें मिक्स किया है, और इजीली ये सारे सामान आपको घर पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अब मैंने यहाँ पर ये लिया है खाली कंटेनर, साफ कंटेनर लेना है आपको, जिसमें किसी भी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें जिसमें आप इसे बनाने वाले हैं। और अब मैं बारी बारी करके ये सारे आइटम इसके अंदर डाल दूंगी, और इससे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है ये जो उपटन लगाना हमारे लिए, क्योंकि हमें एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाती है। और इसे किस तरीके से लगाना है वो भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और मैंने ये सारी चीज़ें इस कंटेनर में खाली कर ली है, इस जार के अंदर, और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसका जो लिड है वो लगा करके और इसे शेक करके अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ इसी तरीके से आपको भी करना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं ये इंग्रेडिएंट्स सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, और ये हमारा उपटन घर पर तैयार है। और अब मैं इसे किस तरीके से अप्लाई करूँगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है उपटन, और इसके अंदर अब मैं ऐड करने वाली हूँ यहाँ पर 1/2 टीस्पून शहद। ध्यान रखिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपको पिंपल है तो आप शहद ना यूज़ करें, इसकी जगह रोज वाटर या एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून दही लिया है, गाढ़ा दही आपको लेना है, और ये हमारा उपटन फेस मास्क बनकर के तैयार है। और चलिए इसे लगाते हैं। तो लगाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से फेस वॉश से वॉश किया है, उसके बाद में मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। मैं इसे नेक पर भी इस्तेमाल करूँगी, नेक पर भी इसे लगाऊंगी।
और जो भी चीजें आप लगाते हैं वो फेस और नेक पर जरूर लगाएं, तो इवन स्किन टोन आपका नजर आता है। नहीं तो बहुत सी बार ये होता है कि फेस हमारा अच्छा ग्लोई दिखता है और नेक का जो रंग है वो थोड़ा सा डार्क नजर आता है। तो आप मेक श्योर करें कि दोनों ही तरफ आपको इसे लगाना है अच्छे तरीके से। और प्री ब्राइडल उपटन है ये, तो आप इसे लगभग एक महीना पहले से ही इस्तेमाल करें, और इसे मैन और वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बॉडी उपटन में भी आप काम में ले सकते हैं इस पाउडर को। और अब मैं इसे हाथ पर भी अप्लाई करूंगी, और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी अपने फेस पर, और आप देख सकते हैं आप 10 मिनट के बाद ये ऑलमोस्ट हल्का हल्का सा ड्राई होने लगा है। और इसे अब ऐसे ही पानी से नहीं धोना है, इसे अब हल्का सा पानी लगाते हुए और हल्का सा मसाज करते हुए ही हमें इसे वॉश करना है, जैसे कि अभी मैं वीडियो में कर रही हूँ। और ये मैंने हल्का सा पानी अपने हाथ में लिया है और अच्छे तरीके से अब मैं स्क्रबिंग करूँगी। बहुत ही लाइट से हाथों से ही मैं कर रही हूँ, इस तरीके से स्क्रबिंग करते हुए आपको ये सारा काम करना है। और अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, और आप देख सकते हैं कि वॉश करने के बाद में जो स्किन पर रिजल्ट आया है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो उपटन फेस मास्क है ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देखने को मिलेगा अगर आप इसे डेली इस्तेमाल करते हैं तो। और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसे वॉश करने के बाद में अब आपको अप्लाई करना है टोनर, और स्किन पर आप ग्लो देख सकते हैं उपटन फेस मास्क का। ये टोनर है, टोनर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे टोनर्स का रिव्यू शेयर किया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर के। अगर आपके पास टोनर अभी नहीं है तो आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है, और आप स्किन पर ग्लो देख सकते हैं। और उसके बाद में कोई भी डे क्रीम आप इस्तेमाल कर लीजिए या कोई भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑयली है या आपको पिंपल है तो आप लोशन ना लगा करके कोई भी जेल क्रीम इस्तेमाल करें। ये वैसे जेल क्रीम ही है लोटस की, इसका भी रिव्यू अभी मैंने रिसेंटली शेयर किया है अपने चैनल पर, तो आप जाकर के ज़रूर चेक करें। और वो भी आपके पास नहीं है तो आप सिंपली एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयली स्किन वाले। और ये मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद में बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स पर हम अप्लाई करेंगे लिप बाम, और ये है बायोटिक का प्लम्पिंग लिप बाम, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिप बाम मुझे लगता है। और आप देख सकते हैं ये रूटीन आपको फॉलो करना है, तो आपकी स्किन 15 डेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइटन दिखेगी, ब्राइटन दिखेगी, और बहुत ही ज़्यादा ग्लो आपकी स्किन पर देखने को मिलेगा। अब नाइट टाइम में आपको क्या रूटीन फॉलो करना है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले ये मैंने फेस वॉश लिया है, फेस वॉश से लगभग एक से दो मिनट तक मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी, और पूरी जितनी भी डर्ट है, जितनी भी गंदगी है वो फेस वॉश के ज़रिए निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं फेस वॉश से अपने पूरे फेस को क्लीन करूँगी। और ये फेस वॉश डव का है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है ये, और इसे अब मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद में देख लीजिए आप कि स्किन बहुत ही अच्छी क्लीन हो गई है। और उसके बाद में मैं क्या स्टेप फॉलो करूँगी वो भी आप वीडियो में आगे देखेंगे। और आप देख सकते हैं स्किन क्लीन हो गई है अच्छी। और अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चंदन का पाउडर। चंदन का पाउडर गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, ये दिमाग को ठंडक देने के साथ साथ में हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई इफेक्ट देता है। और आप डेफिनेटली चंदन का पाउडर अपने फेस पर ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने एक चम्मच चंदन का पाउडर लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास चंदन की ओरिजिनल स्टिक है तो आप उसे भी घिस करके ले सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं इसे गुलाब जल के साथ में पेस्ट बना रही हूँ। जितने पाउडर में पेस्ट बन जाए उतना आपको गुलाब जल इसमें ऐड करना है, और गुलाब जल और चंदन का जो मिक्स पेस्ट तैयार हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली मेरे फेस पर वर्क करता है। और आप डेफिनेटली ये जो स्टेप्स हैं, जो भी मैंने सुबह वाले और जो नाइट वाले जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर फॉलो करिए। आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली ब्राइड के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो प्री ब्राइडल आप करवाते हैं पार्लर्स पर जाकर के, अभी वो सिचुएशन नहीं है कि आप पार्लर पर जाकर के करवाएं, तो आप इस तरीके के ये जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं घरेलू वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर, और ये आपके लिए सेफ भी होगा अभी।
और इस तरीके से मैंने पूरा ये चंदन का जो पाउडर है वो पेस्ट है जो मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसे ड्राई होने दूंगी। जब तक ये चंदन का फेस मास्क ड्राई होता है तब तक मैं अपने लिए एक शीट मास्क तैयार करूंगी। शीट मास्क भी मैं घर पर बना रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया है, ग्लास में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। कुछ बूंदे मैंने ऑलिव ऑयल की इसमें ऐड कर दी है और कुछ ही बूंदे मैं इसमें बादाम के तेल की ऐड करूंगी। और ये ऑलिव ऑयल और बादाम का जो तेल होता है वो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन में ब्राइटनेस लेकर के आता है। जितने भी डार्क पिगमेंटेशन होती है वो भी रिमूव करता है ये। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल और उसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ यहाँ पर गुलाब जल मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। और यहाँ पर ये एक जो कैप्सूल मैं ले रही हूँ ये है विटामिन ई का कैप्सूल। ये विटामिन ई का कैप्सूल मैंने पूरा ही ऐड कर दिया है इसके अंदर। विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्किन के अंदर जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज करने का काम करता है। साथ ही में एजिंग जो हमारे फेस पर आती है उसे भी ये धीरे धीरे हटा देता है। और अब यहाँ पर मैंने जो कंप्रेस्ड शीट मास्क आते हैं ये जो कैप्सूल की तरह दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये इजीली आपको अमेज़ोन पर मिल जाएंगे, पूरा ही पैकेट आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा और मार्केट में भी अवेलेबल है। लेकिन अभी मार्केट अगर नहीं ओपन है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आपके पास कंप्रेस्ड शीट मास्क नहीं है तो आप ये जो मिक्सचर तैयार किया है इस मिक्सचर को आप अच्छे तरीके से अपने हाथ पर लेकर के पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करते हुए और जब तक आपको इसकी मसाज करनी है जब तक कि ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो शीट मास्क भी अभी रेडी हो जाएगा और तब तक मैं इस फेस मास्क को वॉश कर लेती हूँ। और ये फेस मास्क मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे फेस पर कितना अच्छा सा इसका एक इफेक्ट आया है और बहुत ही ठंडक महसूस होती है। ये चंदन का फेस मास्क लगाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस होती है और कूलिंग इफेक्ट ये हमारी स्किन पर देता है। और आप देख सकते हैं ये जो शीट मास्क है ये रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कंप्रेस्ड शीट मास्क के बहुत सारे फायदे हैं। हम हमारे हिसाब से हमारी स्किन के हिसाब से किसी भी तरीके का शीट मास्क बना करके तैयार कर सकते हैं किसी भी फल से, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगी। और ये मैंने अपने पूरे फेस पर ये शीट मास्क अप्लाई कर लिया है और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी मैं इस पर अप्लाई कर लूँगी। और ये आप देख सकते हैं ये शीट मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है और अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद में अब मैं इसे अच्छे तरीके से अपनी स्किन पर रब कर लूँगी। जितना भी ऑयल और जितना भी चीज़ें उस पर लगी हुई हैं वो सारी मैं लगा लूँगी। और ये मेरा नाइट टाइम का रूटीन, जो स्किन को पैम्पर करने का रूटीन है वो कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें दबाते हुए इसे एब्जॉर्ब करवा लूँगी और उसके बाद में अपने लिप्स पर ये लिप बाम अप्लाई करूँगी। तो आपको भी ये सिंपल से जो स्टेप है अगर ये आप फॉलो करते हैं तो स्किन आपकी इस तरीके से ग्लो इफेक्ट देगी, आपको ज़्यादा मेकअप लगाने की नीड ही नहीं लगेगी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर जो ग्लो आया है। और ये आपको स्टेप जो मैंने बताए हैं वो आपको मॉर्निंग से नाइट टाइम तक के स्टेप आपको बताए हैं और आपको ये स्टेप फॉलो भी करने हैं इस तरीके से। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा और ये सारे जो स्टेप्स हैं ये अगर आप फॉलो करते हैं कंटिन्यू तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस नज़र आएगी आपको। और ये जो सारे इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, स्किन के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं और पुराने ज़माने से ये जो चीज़ें हैं ये उपटन में काम आती थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा लुक देने वाली है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में और चेतनास लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।